तो हेलो गाइस, मैं आपके लिए फिर से एक iOS इंस्टाग्राम का न्यू अपडेट लेके आ गया हूँ, जिसमें आप iOS इमोजीज का यूज कर सकते हो। ये है एसटीइंस्टा का न्यू अपडेट वर्जन 11.15, जिसमें आप आईफोन की तरह राउंड स्टोरी भी शेयर कर सकते हो विद टाइमर। साथ ही साथ बहुत सारे न्यू फीचर्स भी ऐड किए गए हैं, जिनको मैं आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। इसलिए वीडियो को फुल वॉच करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको इंस्टाग्राम को अपने मोबाइल में ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, तो यहाँ से अपना आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेना। जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका अकाउंट जो है वो ओपन हो जाएगा। तो अभी मैं जो यहाँ पे सेटिंग्स इनेबल करूँगा, आप भी सिंपली उन्हीं सेटिंग्स को इनेबल करना। तो सबसे पहले मैं आपको iOS इमोजीज के बारे में बता देता हूँ कि कैसे आप iOS इमोजीज को यूज कर सकते हो। iOS इमोजीज के लिए आपको ऊपर वाले सेटिंग के बटन पे क्लिक करना है। आप जैसे बटन पे क्लिक करोगे तो यहाँ से आपको नीचे की ओर ये वाला ऑप्शन मिलेगा, आप सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देना। यहाँ से आपको फॉन्ट स्टाइल का ऑप्शन मिलेगा, आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद 2 या 3 सेकंड का वेट करेंगे तो आपके सामने ये सभी iOS इमोजी और फॉन्ट्स निकल के आ जाएंगे। यहाँ पे सेकंड नंबर पे आपको iOS इमोजी मिलेंगे, इसके ऊपर क्लिक करके आप जैसे रिस्टार्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ से iOS 17.4 इमोजी जो अप्लाई हो जाएंगे। अब आपको यहाँ पे इनका यूज करके देखना है, तो आप देख सकते हो कि iOS 17.4 इमोजी यहाँ पे प्रॉपर वर्क कर रहे हैं, जैसे कि आईफोन में वर्क करते हैं। और इसमें आपको कुछ एनिमेशन भी देखने को मिल जाएंगे, जो कि न्यू अपडेट के साथ ऐड किए गए हैं। और बात करें iOS फोन्स की, तो iOS इमोजी के साथ इसमें आपको ये वाले iOS फोन्स भी मिल जाएंगे, जिनका यूज आप अपने स्टोरी पे कर सकते हो। इसमें आपको बहुत सारे फोन्स दिए गए हैं। और अब बात कर लेते हैं कि कैसे आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर लेना। जैसे आप क्लिक करोगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाएगा। अब आपको ऊपर की ओर 3 डॉट्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे ओपन इन क्रोम ब्राउजर पे क्लिक कर देना। अब इसके बाद ये रिफ्रेश होके आ जाएगा। अब आपको सब्सक्राइब चैनल वाले बटन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने चैनल ओपन हो जाएगा, आपको सिंपली सब्सक्राइब पे क्लिक करना है। और इसके बाद हम फिर से क्लिक करके ऑल पे क्लिक करेंगे तो इससे चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और जो सेकंड लिंक है वो भी अनलॉक हो जाएगा। अब बैक आके अब देखोगे तो यहाँ पे जो है सेकंड लिंक अनलॉक हो गया है, आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। अब गो टू योर लिंक पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाएगा, ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अभी आपको यहाँ पे कुछ भी क्लिक नहीं करना है, आपको सिंपली यहाँ पे 20 सेकंड्स का वेट करना है। और 20 सेकंड का वेट करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे की ओर कंटिन्यू का बटन दिखेगा, आप इसके ऊपर सिंपली क्लिक कर देना। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे सेकंड स्टेप आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे 15 सेकंड्स का वेट करना है और आपको किसी के ऊपर भी क्लिक नहीं करना। जैसे 15 सेकंड यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है तो आपको यहाँ पे सिंपली ऊपर वाले कट के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, अभी मैंने यहाँ पे 2-3 बार क्लिक कर दिया है। यहाँ से इसको कट करने के बाद आपको थोड़ा सा वेट करना होगा तो ये ऐड ऑटोमेटिक यहाँ से हट जाएगी। अब आपको स्क्रॉल डाउन एंड कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक करना है तो अब आप यहाँ पे बिल्कुल नीचे पहुँच जाओगे। अभी आपको यहाँ से कम 10 से 15 सेकंड का वेट करना होगा और इसके बाद कंटिन्यू का ऑप्शन आ जाएगा। अभी आपको इस पे कंटिन्यू पे फिर से क्लिक करना है, ये लास्ट स्टेप है। इसमें आपको लास्ट बार 20 सेकंड्स का वेट करना होगा। आप यहाँ से स्क्रॉल डाउन करके भी नीचे की ओर जाके देख सकते हो कि यहाँ पे कंटिन्यू का बटन आया है या नहीं। जैसे 20 सेकंड्स यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे तो आप नीचे आओगे और आपको यहाँ पे कंटिन्यू का बटन दिख जाएगा। तो अभी आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है और कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा और यहाँ पे 5 सेकंड कंप्लीट होने के बाद गेट लिंक ऑप्शन आएगा, आप सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देना। तो यहाँ से आप आ जाओगे मेरे टेलीग्राम चैनल पे और यहाँ पे आपको एसटीइंस्टा प्रो वर्जन 11.15 का अपडेट मिल जाएगा। आप इस फाइल को यहाँ से डाउनलोड कर लेना। iOS इमोजी और iOS फोन्स के बाद अब मैं आपको बता देता हूँ कुछ न्यू सेटिंग्स, जिनका यूज करके आप भी इंस्टा प्रो की तरह प्रो बन जाओगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको सेटिंग वाले बटन पे क्लिक करना है और यहाँ से प्राइवेसी वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो ऑप्शन मैं इनेबल करूंगा आप भी सिंपली उन्हीं ऑप्शंस को इनेबल कर देना। इनको इनेबल करने के बाद आपको यहाँ सिंपली बैक आना है। अभी नेक्स्ट ऑप्शन है इनहैचमेंट, आप जैसे इस पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएंगे। अभी आप यहाँ पे क्वालिटी वाले सभी ऑप्शंस को इनेबल कर देना, जैसे मैं कर रहा हूँ। इनको इनेबल करने के बाद आपको यहाँ सिंपली बैक आना है। अभी यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है फीड एंड स्टोरी, आप जैसे इस पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ पे आप फर्स्ट 4 ऑप्शन को इनेबल कर देना, कुछ ऐसे जैसे मैंने इनेबल किए हैं। इसके बाद हम यहाँ सिंपली बैक आएंगे। अभी नेक्स्ट ऑप्शन है UI गेस्टर, आप जैसे इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको 3rd वाले ऑप्शन को छोड़ देना है, बाकी सभी ऑप्शंस को इनेबल कर देना, कुछ ऐसे जैसे कि आप स्क्रीन पे भी देख सकते हो कि मैंने कौन से ऑप्शंस को इनेबल किया है। और सबसे लास्ट में आपको ये वाला ऑप्शन मिलेगा, आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है।
क्लिक करने के बाद आपको फर्स्ट में ऐप आइकन का ऑप्शन दिख जाएगा। आप जैसे इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने बहुत सारे ऐप आइकन आ जाएंगे। यहाँ से आप किसी भी ऐप आइकन को सिलेक्ट कर सकते हो जिससे आपके ऐप का आइकन चेंज हो जाएगा और आप दूसरों से अपने ऐप को छिपा पाओगे। और फॉन्ट स्टाइल के नीचे आपको चेंज ऐप थीम का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ से आप ऐप का थीम भी चेंज कर सकते हो। यहाँ पे आपको बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कलर के थीम्स दिए गए हैं, चाहो तो इनका यूज कर सकते हो। और अब बात कर लेते हैं iOS स्टोरी लाइक आईफोन। आप आईफोन की जैसी स्टोरी भी इसमें लगा सकते हो, वो भी टाइमर और यूजर नेम के साथ। तो उसके लिए आप किसी भी एक रील को सिलेक्ट कर लेना अपने स्टोरी के लिए और जैसे शेयर करके ऐड टू स्टोरी पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपकी स्टोरी जो है वो अपलोड हो जाएगी। और आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये आईफोन की तरह स्टोरी लग चुकी है। इसमें आपको आईफोन वाला टाइमर और नीचे यूजर नेम भी आईफोन वाला ही मिल रहा है। और इसके साथ साथ आप इसमें iOS इमोजीज का यूज भी कर सकते हो जिससे आपको एकदम आईफोन वाली फीलिंग आएगी। और इसमें आपको न्यू टैब दिया गया है लाइक आईफोन, इसमें कुछ न्यू ऑप्शन भी ऐड किए गए हैं। अब बात कर लेते हैं न्यू फीचर्स के बारे में। तो आपको प्रोफाइल में भी नोट का फीचर मिल जाएगा जिससे आप लोकेशन और म्यूजिक भी शेयर कर पाओगे। और इसमें डिलीट शो मैसेजेस का ऑप्शन भी दिया गया है जिससे आप डिलीट मैसेजेस को भी देख सकते हो। अगर आपको अब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप मेरी ये वीडियोस देख सकते हो। थैंक यू।